तो छात्रों आप सभी यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास जो इंग्लिश का पेपर कक्षा 10वीं का वार्षिक परीक्षा का आ चुका है। देखिए यहाँ पर मैं आपको इस पेपर को यूट्यूब पर नहीं दिखा सकता हूँ, आप सभी यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो है यहाँ पर ब्लर लगा रखा है। तो देखिए वीडियो में आपको पूरे अंत तक बने रहना है, वीडियो को लाइक नहीं करना, शेयर नहीं करना है। नमस्कार प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। ATI पांचाल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम इंग्लिश में आपकी कक्षा 10वीं की जो वार्षिक परीक्षा है 2022 की, इसके लिए हम पूरा मोस्ट IMP देखने वाले हैं। देखिए अभी तक पेपर तो वायरल नहीं हुआ, लेकिन हाँ आज के वीडियो में आपको जो भी बताया जाएगा अगर आप इन सभी को तैयार कर लेते हो तो आप 80 में से 80 नंबर लेकर के आ सकते हो। एक भी अंक नहीं छूटेगा उसकी पूरी मैं गारंटी लेता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो को लाइक भी नहीं करना है, शेयर भी नहीं करना है, कमेंट भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है यार, सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा ध्यान एकाग्र करके पूरा कॉन्सेंट्रेट पावर से पूरा वीडियो को देखना है और वॉच करना है बिना स्किप किए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ मॉडल पेपर बताने वाले हैं, अगर आप इन सभी को तैयार कर लेते हो तो आपके 80 में से 80 नंबर आ जाएंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पर सेक्शन 1 है, पहले वाले में है ना सब सेक्शन ए, इसमें आप देखिए रीडिंग द फॉलोइंग पेसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवेन बिलो, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो पूरा और यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हो, इन सभी के आपको इसमें से ही ढूंढना है ना। अगर आप इसको पूरा आप देख लेते हो तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब अगला देखते, देखिए ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है यहाँ तक हो गया। चलिए ये पूरा आप देख सकते हो, ठीक है, ऑप्शन भी यहीं पर है आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर नीचे आता है, ठीक है पूरा आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, पूरा याद करने बैठ जाइएगा, ठीक है, पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका आंसर मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो, रीड द फॉलोइंग पेसेज एंड आंसर क्वेश्चन है ना गायन बिलो, ठीक है, देख सकते हो पूरा। और यहाँ पर देख सकते हो इसके क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना, ये पूरा। अब उसके बाद आता है अपना सेक्शन बी, सेक्शन बी है अपना राइटिंग का लिखने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले क्या बोल रहा है हमारा, रीड द पेसेज एंड मेक नोट्स एंड आल्सो गिवेन सब टाइटल, है ना सब टेबल टाइटल, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो सूटेबल टाइटल देना आपको यहाँ पर, ठीक है, पूरा देख सकते हो। ये भी मैंने आपको अगली वीडियो में बता दिया कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला आप इतना क्वेश्चन क्रमांक 4 आता है यहाँ पर, यू आर अनूप शर्मा स्टडिंग गवर्नमेंट हाई स्कूल है ना रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड TC की आपको लिखनी है यहाँ पर, ठीक है ना, TC की लिखनी है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, अगला यहाँ पर देख सकते हो आप, अगला क्या यहाँ पर है, यू आर प्रमोद मिश्रा, ठीक है ना, राइट ए लेटर, लिखिए तो लेटर याद कर लो या फिर एप्लीकेशन याद कर लो, ठीक है ना, दोनों में से एक याद कर लेना। उसके बाद देख सकते हो राइट एन AZ है ना, किसी एक विषय पर आपको AZ लिखना है, या वंडर ऑफ साइंस पर या किसी एक पर, ठीक है ना, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर माय हॉबी वंडर ऑफ साइंस इंपॉर्टेंस गेम्स एंड स्पोर्ट एन इंडियन फेस्टिवल, ठीक है। उसको यहाँ पर अथवा में भी देख सकते हो आर्टिकल लिखना, आपको क्या लिखना है आर्टिकल, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या किस किस पर आर्टिकल लिखना है, ठीक है, या तो आप आर्टिकल याद कर लो या फिर आप एक AZ याद कर लो, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको AZ याद करना है, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन क्रमांक 6, आपको पिक्चर गाइडेंस दिया जाएगा, पिक्चर गाइडेंस आपको लिखना है, जैसे इस प्रकार से दिया जाएगा आपको, देख सकते हो यहाँ पर किस प्रकार से पूरा दिया, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो एक्सरसाइज रेगुलर रेगुलरली, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर ड्रिंक, यहाँ पर वाटर, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो फेट, उसका यहाँ पर रिलैक्सेशन है ना, ये पूरा दिया हुआ है ना, और फिट यानी कि फिट हेल्थी यानी फिट का जो है ना, यहाँ पर पूरा आपको उपाय बताना है, इन सारे पॉइंट पर आपको चर्चा करनी है, इन सारे पॉइंट को आपको कवर करना है, ठीक है। अगला देख सकते हो अगला क्या आपका सेक्शन सी है ग्रामर, इन सभी में से आपको 5 करना है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है ना, चूज द करेक्ट, यहाँ पर आपको चूज करना है तीनों में से, ठीक है ना। जैसे पहला है यहाँ पर ही इज हावर लेट, ठीक है ना, हावर नहीं बोलेंगे हम इसे, आवर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आवर बोलेंगे। तो इसमें क्या जाएगा, आवर में आपको बताना है, मैं आपको बता दियो AND का तीनों का प्रयोग आपको बता दियो अगली वीडियो में, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हो। अगला देख सकते हो डू एज डायरेक्टेड है, इसमें से भी आपको AND 5 करना है, कितने करना है AND 5, सबसे पहले हम जो मोबाइल को एरोप्लेन मोड में कर लेते हैं ताकि कोई मैसेज वगैरह न आए, ठीक है, ये देख सकते हो मैंने कर लिया है, ठीक है। अब चलिए अब आएगा अच्छे से मजा, ठीक है ना, देख सकते हो पूरा आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा सारे के सारे क्वेश्चन, एक भी इसमें से मिस नहीं होना चाहिए, एक भी प्रश्न अगर आपने मिस कर दिया तो आपके 80 में से 80 नंबर नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है आपने जो क्वेश्चन मिस किया वही आ गया, तो भाई ठीक है ना, इसलिए आपको एक भी नहीं मिस करना है, ठीक है, अच्छे से देख लेना है, ठीक है, पूरे यहाँ पर देख सकते हो। उसका अगला देख सकते हो फ्रॉम विच लेसन हैज टेक्स्ट बिन टेकन, इसमें से आप अ लेटर टू गॉड हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये किससे रिलेटेड
रिलेटेड, मतलब ये जो भेजा जो दिया गया ये लेसन किससे रिलेटेड है आपको बताना है। अगला देख सकते हो, अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपके क्या ऑब्जेक्टिव टाइप के है ना, ऑब्जेक्ट टाइप के है ना, देख सकते हो पूरा पूरा आंसर है यहाँ, पूरा पूरा आंसर नहीं, पूरे पूरे क्वेश्चन है, आपको इनको उतारना है और आप अगर इन सभी का आंसर ढूंढोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न देख सकते हो, ये जो प्रश्न है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देख सकते हो अगला, देख सकते हो व्हाट डज करेज मीन्स टू मंडेला, ठीक है। अगला देख सकते हो अगला क्या, अगला आपका व्हाई वाज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हो पूरे पूरे अच्छे से, ठीक है, पूरा पूरा नोट कर लेना आपको, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या आपका क्वेश्चन क्रमांक 12 है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री इन अबाउट 13 वर्ड, यानी कि एनी टू, इनमें से आपको टू करने दो करने, ठीक है ना। पहला यहाँ पर ये दिया गया आईसीआई स्टैंड, इसका बताना है। उसके बाद यहाँ पर वेयर डिड द बॉल पोएम, उसके बाद तीसरा है, तो इसमें से आपको दो बताना है, एक छोड़ देना है, ठीक है। तेरहवा वाला देख सकते हो, इसमें से आपको दो करने है, ठीक है ना, दो प्रश्न करने हैं, एक छोड़ देना है। यहाँ पर देख सकते हो तीनों किस प्रकार से नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन क्रमांक 14 आप देख सकते हो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 75 वर्ड्स, ठीक है ना, 75 वर्ड्स में देना आपको। तो यहाँ पर देख सकते हो इन्हें टू करना है, एक छोड़ देना है इसमें से भी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगला देख सकते हो, अगला आपका क्वेश्चन क्रमांक 15 है ना, क्वेश्चन 15, ठीक है ना। देख सकते हो पूरा पूरा आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना, अ टाइगर इन द जू है ना, इसके बारे में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। उसका यहाँ पर मेंशन थिंग है ना, पूरा पूरा आपको लिखना है यहाँ पर, देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 16 देख सकते हो, 16 में क्या बोला गया आपसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अगला देखिए, अगला आते हैं यहाँ पर, ठीक है, अगला देखिए। तो यहाँ पर हमारा जो पूरा पेपर है ये ख़त्म होता है, चलिए अगले पेपर को देखते हैं। अगला आप यहाँ पर देख सकते हो, पूरे पूरे देख लीजिएगा, इसका आंसर भी यहीं पर है, ठीक है ना। जो नाम लिखा है उस पर आपको ध्यान नहीं देना, आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है, ठीक है ना। ये मैं ये चाय कहाँ से भी लाया आपके लिए, परंतु लेकर आया हो, ठीक है ना। आपको यहाँ पर देख सकते हो, पूरे पूरे यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। अच्छे से देख लेना है, वीडियो को पॉज कर लेना है थोड़ा सा, और जो है इनको रोक करके आपको नोट कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं कि मतलब वंडर ऑफ साइंस का जो निबंध नहीं आएगा, तो देखिए आपको एक तो वंडर ऑफ साइंस का कर लो, और एक आप जो साइंस विज्ञान के चमत्कार का भी कर लो, क्योंकि दोनों में से एक तो आएगा, ठीक है ना। मेरी गारंटी है नहीं आया तो, ठीक है ना, देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। पूरा पूरा आप देख लेना यहाँ पर, देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पर, अगला देख सकते हो यहाँ पर चेंज इनटू इंटरोगेटिव, उसके बाद यहाँ पर अगला देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अगला में क्या बोला गया, उसके बाद सेक्शन सी आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें क्या क्या पूछा गया आपसे, क्या नहीं पूछा गया, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, अगला देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है आपका फ्रॉम विच पोएम अबाउट लाइन्स है ना बीन टेकन, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके में क्या आएगा, ठीक है, इसमें देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 10 आ जाता है आपका, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पर, अगला देख सकते हो, ठीक है, पूरा पूरा अच्छे से देख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 11 में यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन किस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये लेंचो एंग्री वाला है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका यहाँ पर देखिए एक और बताया था मैं आपको, ये मनी वाला, ये वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये नीचे वाला, ठीक है। ये तीनों की तरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको सभी तो करना ही है, ठीक है। अगला देखिए, अगला यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पर ये वाला, तीसरे वाला, ठीक है ना। तीसरे वाला ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक जो एक दूसरे वाला भी है, हेमलॉक वाला, ये दूसरे वाला भी है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, अगला देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। इसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहला वाला ही है, और एक तीसरा वाला है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, अगला देख सकते हो, अगले में यहाँ पर बी एक तो ये वाला है, और एक ऊपर वाला है, यानी नीचे वाला थोड़ा कम है, ठीक है। अगला देख सकते हो, अगला आपको यहाँ पर एक सेंट्रल आइडिया लिखना है, ठीक है, ठीक है, अच्छे से देख लेना उस यहाँ पर आपको किसको किस पर लिखना है, टाइगर इन द जू, बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि पिछले वाले में भी ये पूछा गया है, ठीक है, इसमें पूछा गया ना कि इस बार भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला यहाँ पर आप देख सकते हो, पूरा पूरा अच्छे से देख लेना है, ठीक है, अच्छे से देख लेना है, बिल्कुल भी खामी नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है। यहाँ पर हो चुका है पूरा, चलिए अगला देखते हैं अपन, ठीक है। ये अगला यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्शन ए, इसमें सेक्शन ए रीडिंग का है ना, ये भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं ज़्यादा गारंटी इनकी नहीं लूँगा, ये रीडिंग वाला की, कि ये फंस सकते हैं, ठीक है ना, ये नहीं फंस सकते, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन उठा सकते हैं इनमें से, और वो गारंटी 80 में से 80 आएंगे, ठीक है। इसको नहीं छोड़ना है, आपने अगर अभी तक कुछ नहीं किया है तो इनको जरूर याद कर लो, ठीक है, इनको जरूर याद कर लो, ठीक है, अच्छे से देख सकते हो यहाँ पर आप। उसके बाद यहाँ पर पिक्चर गाइडेंस देख सकते हो, यहाँ पर हो सकता है कोविड 19 का दे दे, क्योंकि भाई कोविड 19 अभी करंटली में चल रहा है, ठीक है, ट्रेंडिंग में है। अगला देख सकते हैं यहाँ पर आप, ठीक है, क्वेश्चन क्रमांक 8 है यहाँ पर, डू इज डायरेक्टेड। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 9 देख सकते हो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देख सकते हो, अगला है यहाँ पर रीडिंग द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट,
ठीक है, अच्छे से देख लेना आप इन सभी को। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन क्रमांक 11, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये 12th आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनमें से भी मोस्ट मोस्ट बता देता हूँ मैं आपको, देखिएगा ये वाला जो पहले वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरे वाला इंपॉर्टेंट है, तीसरे वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद करेज मंडल है, ये भी इंपॉर्टेंट है यार, ये भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट है यार, सारे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये छः वाला जो थोड़ा कम मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर पहला वाला है जो डस्ट ऑप्शन है ये भी है, तो दूसरे वाला भी है, तीसरे वाला भी है, ठीक है, और चौथे वाला भी है। इनमें से मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि पूरा पूरा पूछे जाएंगे और इन सभी के आंसर भी आप सभी को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, अभी आपको है ना आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो गया अपना ख़त्म। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ठीक है, और इन सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे।